बसंत भागेवाड़ी चुनावी दंगल में स्वागत है आपका। मैं हूं शकील बागमारे। कौन बनेगा बसंत भागेवाड़ी मध्य क्षेत्र का MLA? किसको मिला है टिकट और किसने कितने बार मारी है बाजी? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस क्षेत्र के प्रेजेंट MLA थे शिवानंद पाटिल। 2004 में शिवानंद पाटिल ने बबलेश्वर मध्य क्षेत्र को छोड़कर बसंत भागेवाड़ी मध्य क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। तब इन्होंने 50,238 वोट हासिल करके 3,305 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। फिर 2008 के चुनाव में शिवानंद पाटिल की हार होती है 13,887 वोटों के बड़े अंतर से, और उस वक्त बीजेपी से SK बेलोबी भी 48,481 वोट हासिल करके जीत जाते हैं। फिर शिवानंद पाटिल 2013 में फिर से कांग्रेस का टिकट हासिल करके बसंत भागेवाड़ी चुनावी अखाड़े में कूद जाते हैं। फिर SK बेलोबी को 19,676 वोटों के बड़े अंतर से इन्हें हराकर 56,329 वोट हासिल करते हैं। फिर 2018 के चुनाव में फिर से शिवानंद पाटिल जीत जाते हैं, मगर इस वक्त काफी कम अंतर से, यानी 3,186 वोटों से इनकी जीत होती है। और सेकंड नंबर पर आते हैं JDS से अप्पू गौड़ा पाटिल, और उस वक्त बीजेपी SK बेलोबी का टिकट काट कर संगराज देसाई को दिया गया था, और SK बेलोबी बीजेपी से नाराज होकर JDS में शामिल होकर बीजापुर शहर से 2018 में चुनाव लड़ा था और सिर्फ 283 वोट हासिल किए थे। अब फिर से भागेवाड़ी मध्य क्षेत्र के चुनावी मैच में ट्विस्ट आ गया है। इस बार फिर से बीजेपी ने SK बेलोबी को मैदान में उतारा है। SK बेलोबी मध्य क्षेत्र से दो बार जीत हासिल की थी 1999 में और 2008 में। और इसी तरह शिवानंद पाटिल की बात करें तो इन्होंने भी इस मध्य क्षेत्र से तीन बार जीत हासिल की है, 2004 में, 2013 और 2018 में। अब इस बार बीजेपी भी टिकट अप्पू गौड़ा को ना देकर बेलोबी को देने से ऐसा लगता है कि कुछ तो दाल में काला है। जो अप्पू गौड़ा 2018 के चुनाव में JDS से सिर्फ 3,186 वोटों से हारे थे, उसके बाद अप्पू गौड़ा पाटिल JDS को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उसके बावजूद बीजेपी ने इन्हें टिकट ना देकर कई सवालों को जन्म दिया है। अगर मुकामी लोगों की बात करें तो उनका कहना है, अगर बीजेपी का टिकट अप्पू गौड़ा पाटिल को दिया जाता तो कांटे की टक्कर देखने को मिलती। बेलोबी को टिकट देने का मतलब मैच फिक्सिंग हुआ है। अब मैच फिक्सिंग है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। बीजेपी ने अपना को टिकट ना देने पर अप्पू गौड़ा पाटिल फिर से दोबारा JDS में शामिल होकर टिकट हासिल किया है और चुनावी अखाड़े में कूद गए हैं। और शिवानंद पाटिल की बात करें तो वो एक अच्छे और सेकुलर राजनेता के रूप में भी अपनी छवि इस मध्य क्षेत्र में बनाए रखी है, मगर फैसला तो जनता ही करेगी कि इनका MLA कौन होगा। अब MIM ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है। क्या MIM के आने से भी क्या शिवानंद पाटिल को नुकसान हो सकता है, ये भी एक सवाल बना हुआ है। अब इस मध्य क्षेत्र की हकीकत तो 13 मई को ही पता चलेगी। तो देखते रहिए B News Nation, कौन बनेगा MLA।